ज्वाइंट आज का टॉपिक है। ज्वाइंट का डेफिनेशन ये है कि वो जगह जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आए, उनके बीच में जो जगह है उस जगह का नाम है ज्वाइंट। डायग्राम में आप ज़रा देखें, एक बोन, सेकंड बोन और उन दोनों के बीच जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड एज ज्वाइंट। ज्वाइंट के लिए कभी कभी स्पेस का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये ज्वाइंट बोन इतने करीब आ चुके होते हैं क्योंकि बीच स्पेस ही नहीं रहता। सो स्पेस हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये बीच में जो जगह आएगा या वो जगह जहाँ दो हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आ रही हैं, चाहे उनके बीच स्पेस हो या स्पेस नहीं हो, बस दो हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आई हों, उस जगह का नाम है ज्वाइंट। बोन और बोन के बीच भी हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच भी हो सकता है ज्वाइंट। फंक्शन क्या है ज्वाइंट का? दो फंक्शन है ज्वाइंट का। नंबर वन कि ये आपके स्केलेटन को होल्ड करते हैं, आपकी बहुत सारी हड्डियां हैं, सारी हड्डियां एक दूसरे के साथ अटैच है, होल्ड हुए हैं, तो बांध के रखे हुए हैं सारा जो स्केलेटन है वो किसकी वजह से, वो ज्वाइंट की वजह से है, वन। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ज्वाइंट का है वो है मूवमेंट। ज्वाइंट की मदद से आपके जिस्म में मूवमेंट पॉसिबल है। अगर आपके बॉडी में ज्वाइंट ना होता तो मूवमेंट ही नहीं होती, सही। हर तरफ आप देखते आप हेड को घुमा रहे हैं, ये मूवमेंट है बिकॉज ऑफ ज्वाइंट। आप हेड को अप एंड डाउन कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ज्वाइंट। लेक्चर देते वक्त हाथ को मुख्तलिफ डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ज्वाइंट। फिंगर्स को मूव करते हैं, ज्वाइंट। खुद आप चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट। सो ज्वाइंट आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट। अब हम ज्वाइंट को क्लासिफाई करते हैं दो तरीकों से, मोस्टली हम ज्वाइंट को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी से, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दो चीजों के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो जो पहला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के हिसाब से ज्वाइंट हमारे पास क्लासिफाई किए हुए हैं मेनली तीन। नंबर वन है इमूवेबल ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट जहां कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हड्डियां एक दूसरे के करीब तो आई है बट उनके बीच मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे ज्वाइंट को क्या कहते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट। है कहां पर हमारे बॉडी में? यहां पर मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। अच्छा डेफिनेशन लिखा मैंने नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है बड़ा अच्छा एग्जांपल है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? आपके खोपड़ी जो है, आपके खोपड़ी के अंदर एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ मिली हुई है, इस तरह से। आपकी खोपड़ी एक हड्डी नहीं है, वो आप बताया था स्केलेटन में। तो एक हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान ज्वाइंट है, ये ऐसा ज्वाइंट है जिसमें ये हड्डियां मूव नहीं कर सकती। लिहाजा खोपड़ी के अंदर जो ज्वाइंट है वो कौन से ज्वाइंट है? वो इमोबल ज्वाइंट है। अगर खोपड़ी वाले ज्वाइंट जो है मोबल होते तो आपकी खोपड़ी जो है वो आपके साथ साथ ऊपर नीचे होती, कभी ऐसा तो नजर नहीं आया है, ठीक है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो तो अजीब से लगेंगे हम, उसकी ज़रूरत भी मेरे ख्याल में नहीं है। खोपड़ी के अंदर हड्डी को इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है? दूसरा जो है वो है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। अब ये ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ी सी। ये कहाँ पर आपको मिलेगा? फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब्स। सॉरी, इसमें एक और मैं रह गया था इमूवेबल में, दांत का जो अपने सॉकेट के अंदर जो ज्वाइंट आ रहा है, दांत, दांत भी तो मूव नहीं करते हैं, एक अलग बात है। पंच लगता है, गिर जाते हैं, वो दांत फिर हिल रहे होते हैं, वो अलग केस है। नॉर्मली जब तक आप सही, दांत सही सलामत है
तो वो जॉइंट क्या है, वो इमोवेबल होता है. स्लाइटली मोबल जॉइंट में एग्जांपल है फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब. आपके रिब्स के अंदर 12 पेयर्स हैं, तो जो फर्स्ट पेयर है वो आपके स्टर्नम के साथ अटैच है और वो किस कैटेगरी में आएगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आ जाएगा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आएगा. एंड देन वी हैव फ्रीली मूवेबल जॉइंट. फ्रीली मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जहां पर फुल मूवमेंट पॉसिबल है, लाइक हाथ शोल्डर जॉइंट, इसमें आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है. ये कौन सा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, इसमें भी मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट है, ठीक है. और इसी तरह से गर्दन, यहाँ पर हिप जॉइंट है, ये सारे के सारे कौन से जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है. फिंगर्स भी क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, सही है. फिंगर्स फ्री मूवेबल है, रिस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, नेक में फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, हिप है. सो अब हम आके एक काम और करते हैं कि ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है उसको आगे जाकर हमने कुछ और क्लासीफाई किया हुआ है. हमारे बुक के हिसाब से उन्होंने वहाँ पर साइनोवियल जॉइंट के साथ वो हेडिंग्स लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनको फर्दर हमने वहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है, जो आपको बाद में बता देंगे कौन से जॉइंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, वो वहाँ पे बता देते हैं. अब आ जाते हैं जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, दूसरे किस तरीके से जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं. एक तो मूवमेंट के बेस पे था, दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. जॉइंट के जो स्ट्रक्चर है वो दो हो सकते हैं, या तो वो कार्टिलेज का बना हुआ होगा या तो वो फाइबर्स होंगे. जॉइंट तो है, अब अगर वो जॉइंट के बीच में कार्टिलेज है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेज भी आप पढ़ चुके हैं. और अगर कार्टिलेज के बजाय फाइबर्स हों तो फिर उसको क्या कहेंगे, फाइबरस जॉइंट. फाइबरस जॉइंट में जॉइंट के अंदर क्या होता है, फाइबर्स होते हैं. एग्जांपल क्या है, सचर, आपको पहले भी बताया था सचर. आपके खोपड़ी के अंदर जो जॉइंट है सचर जॉइंट, ये इमूवेबल भी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ये इमूवेबल जॉइंट भी है. लेकिन साथ साथ अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, फाइबर्स नजर आएंगे, बहुत सारे धागे नजर आएंगे. उन धागों ने क्या किया हुआ है, इन दो हड्डियों को आपस में वेल्ड किया हुआ है, फ्यूज किया हुआ है. उन धागों ने कौन से धागे हैं, वो फाइबर्स हैं. तो उन फाइबर्स की वजह से इस जॉइंट का नाम क्या नाम रखा गया, फाइबरस जॉइंट. एक तरफ से ये इमूवेबल जॉइंट है तो दूसरी तरफ ये फाइबरस जॉइंट भी है. दूसरा कौन सा है, कार्टिलेजिनस जॉइंट. कार्टिलेजिनस जॉइंट में फिर क्या होता है कि वहां पर फाइबर्स के बजाय क्या आएगा, कार्टिलेज आएगा. अगर कार्टिलेज पड़ा हुआ है तो फिर उसको क्या नाम देंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट. इसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, रिब्स टू द स्टर्नम. हमारे स्टर्नम और रिब दोनों हड्डियां हैं, बीच में जो है कार्टिलेज पड़ा हुआ है. किसके दरमियान, स्टर्नम और रिब्स के दरमियान कार्टिलेज है. तो उस जॉइंट में चूंकि कार्टिलेज मौजूद है लिहाजा उसका नाम क्या रखा गया है, कार्टिलेजिनस जॉइंट रखा गया है. अच्छा, तीसरा थर्ड स्ट्रक्चर के बेस पे जो थर्ड जॉइंट है उसका नाम है साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि ये आपका एक बोन है, ये दूसरा बोन है, इन दो बोन्स के बीच एक खास किस्म का पानी है, खास किस्म का पानी है, और उस पानी का नाम है साइनोवियल फ्लूइड. इस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से सारा का सारा जॉइंट का नाम साइनोवियल जॉइंट रखा गया है. ये मोस्टली ज़्यादा लोड वाला जॉइंट होते हैं, जिस जॉइंट पे लोड ज़्यादा होता है उस जॉइंट में ये वो वाला जॉइंट अक्सर साइनोवियल होता है. इसके अंदर जो फ्लूइड है इनका मकसद क्या है, इनका फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना. दो हड्डियों के बीच जब तक लिक्विड है, फ्लूइड है, तो वो रबिंग कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी, बोन के जो लास्ट एंड्स है वो सेहतमंद रहेंगे, दर्द नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा.
क्योंकि इधर लोड भी ज़्यादा होता है फ्रिक्शन कम करने के लिए. आप अपने गाड़ी के बाइक के इंजन में आप लोग मोबिल ऑयल डालते हैं, क्यों? चलाने में मदद करते हैं, फ्रिक्शन ख़त्म करते हैं. कभी आप अपने बाइक में मोबाइल ना रखें बगैर मोबिल ऑयल के. मोबिल ऑयल के बगैर आप ज़रा बाइक चला के देखें क्या होगा. आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी और इंजन ख़राब हो जाएगा. अच्छा, चलाते वक्त पता चल जाता है कि इसके अंदर मोबिल ऑयल नहीं है. उसकी सबसे बड़ी निशानी आप लोगों ने नहीं बताई, आवाज के अलावा, धुआं की इसके अलावा. आप लोग अच्छे मिस्त्री भी नहीं हैं. उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं. एक आम बाइक जितने हीट अप हो जाता है उसके मुकाबले में मोबिल ऑयल के बगैर जो बाइक होता है वो बहुत जल्दी जल्दी हीट अप हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा हीट होता है, आप हैरान हो जाते हैं इतना कितना गर्म हो गया है. दरअसल वो मोबिल ऑयल की, मोबिल ऑयल न होने की वजह से. सो बहरहाल आपके जोड़ों के अंदर जो लिक्विड है उसका काम क्या है? फ्रिक्शन को कम करना. और ये आपके जो नी जॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है, और बाकी जहाँ पर भी लोड बेरिंग ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर ये पानी पड़ा रहता है. इस पानी को बनाने वाला पर्दा, ये जो रेड कलर से मैंने एक पर्दा ड्रॉ किया हुआ है, इसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है ये पानी प्रोड्यूस करता है. पानी आता कहाँ से है? पानी, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये जो पर्दा है, ये पर्दा, इसने पूरा जॉइंट को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है. इस पर्दे से ये पानी बन जाती है और ये जॉइंट सारा का सारा एक गिलाफ के अंदर छुपा हुआ है, एक मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ है, एक और सख्त कोट के अंदर छुपा हुआ है. उस कोट का नाम है फाइब्रस कैप्सूल. ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल. इस कैप्सूल ने फिर सारे जॉइंट को अंदर से पैक करके रखा हुआ है. कभी कभी ये कैप्सूल ख़राब होने से भी जॉइंट में बहुत सारे मसले आ सकते हैं, लेकिन ये कैप्सूल और साइनोवियल फ्लूइड इसकी सबसे बड़ी निशानी है साइनोवियल जॉइंट की. तो साइनोवियल जॉइंट के बाद हम जाते हैं जॉइंट्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन, ठीक है. जॉइंट्स को फर्दर भी क्लासिफाई किया हुआ है. आप इसको मूवमेंट के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट के बेस पे. एक तो आपने मूवमेंट के बेस पे देखा कि तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं. अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि छह तरह के जॉइंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मूवमेंट, किस स्टाइल से मूव करते हैं. हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट. दरवाजे को जरा आप देखिए, दरवाज़ा जो है वो एक ही प्लेन में मूव करता है. जब आप अंदर आते हैं तो पुश करते हैं, राइट, और वो वापस पीछे आ जाता है. सो एक ही प्लेन में दरवाज़ा मूव करेगा. दरवाज़ा या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा. इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं हिंज या हिंज, क्योंकि उधर कुंडी लगी हुई होती है, उसकी मदद से दरवाज़ा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा. आपके जिस्म में भी ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जहां मूवमेंट दरवाजे की तरह सिर्फ एक प्लेन में ही होते हैं. एग्जांपल, आपका ये जॉइंट जो है, कौन सा नाम है इसका? एल्बो जॉइंट. जरा आप एल्बो जॉइंट पे गौर करें. एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट सिर्फ ऊपर आया हाथ, नीचे गया. ये दिस इज कॉल्ड वन प्लेन. कौन सा प्लेन है? वन प्लेन. तो ऐसे जॉइंट जिस मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट. इसको आप दरवाजा समझ लीजिए. तो या तो ये हाथ आगे आएगा या पीछे जाएगा दरवाजे की तरह. सो ऐसे जॉइंट को क्या नाम देंगे? हिंज जॉइंट. ओके, दूसरा जो है वो क्या है? वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में यहां से इस तरह का एक सॉकेट पड़ा हुआ है, सॉकेट खड्डा है, उस खड्डे के अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है. ये जो बॉल है, बॉल के साथ फिर कोई रॉड अटैच है. इस बॉल को, इस रॉड को आप कहीं भी किसी भी तरफ आप रोटेट घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं. लेट्स सपोज दिस इज सॉकेट, इसके अंदर बोन पड़ा हुआ है, बोन का हेड पड़ा हुआ है, ठीक है.
अब ये जो बोन है ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, आपकी तरफ भी आ सकते हैं, पीछे की तरफ भी आ सकते हैं, और पूरा अपने आप को घुमा भी सकते हैं। सो ऐसे ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इस मूवमेंट हर तरफ पॉसिबल है, ऐसे ज्वाइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कहाँ पर है ये बॉडी में? शोल्डर। शोल्डर में जरा देखिए, मूवमेंट इन वन प्लेन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और पूरा रोटेशन मूवमेंट इसमें जो है ये ऑल प्लेन में आ जाता है, ठीक है। इसमें रोटेट कर रहा है आपका हाथ, हर तरफ आप उसको ले जा सकते हैं, हर तरफ पॉसिबल आप उसको ले जा सकते हैं। ऐसे मूवमेंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिप में भी आ रहा है, बिल्कुल, आप ज़रा ट्राई करें, आपका जो हिप जॉइंट है वो आप अपनी टांग आगे भी ला सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, और अपने बॉडी से दूर भी लेके जा सकते हैं, करीब भी ला सकते हैं, और उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। चाहिए आप लोग थोड़ा स्पोर्ट्स में भी बने, थोड़ा सा उसको चेक भी क्या करें, आपका हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एंड देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर पड़ी हुई है, जस्ट थोड़ा सा ग्लाइड करते हैं, सर ग्लाइड, स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, स्लाइड करते हैं। ये आपके वर्टिब्रल कॉलम का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। वर्टिब्रल कॉलम में एक छोटी सी हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, इस तरह दूसरे के ऊपर पड़े हुए, तो ये जो एक हड्डी है ये थोड़ा सी स्लाइड करके इस तरफ मूव कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जो स्लाइडिंग मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? बिटवीन द सरफेस ऑफ द वर्टिब्रा। जब आप झुक जाते हैं या आप सीधे हो जाते हैं, तो ये कौन सा जॉइंट इसमें इन्वॉल्व है? रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जॉइंट है वो इन्वॉल्व, जब आप झुक जाते हैं, सही है। इसमें हिप जॉइंट भी है, ठीक है, थोड़ा सा एसआई जॉइंट भी है, लेकिन मोस्टली जब आप अपने आपको कर्व करते हैं तो उसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम का जॉइंट आ जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किस में आएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट में आएगा। यस यस, इस बार हम इसको अंडरबिजेब मूवमेंट अलग से पढ़ रहे हैं। अगर एक जॉइंट एक बार इमूवेबल है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फिर कोई दूसरा जॉइंट नहीं होगा। आप ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन आज हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ये है कार्टिलेजिनस जॉइंट, लेकिन हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट के हिसाब से, चूंकि इसकी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी स्लाइड करती है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, राइट। दिस इज विच मूवमेंट? ग्लाइडिंग मूवमेंट। एंड देन वी हैव एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट जो है ये आपको कहां में मिलेगा? बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा। आप ये देखिए, ये आपका स्कल है, लेट्स सपोज दिस इज योर, ये आपका स्कल है, ठीक है। स्कल के बाद क्या स्टार्ट होते हैं? बैकबोन स्टार्ट होता है। तो आपके स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच जो जॉइंट है, इसका नाम है एलिप्सॉइड जॉइंट। क्या नाम है इसका? एलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें आप क्या करते हैं, आप आपका जो हेड है आप आगे ला रहे हैं, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, दैट इस तरह की मूवमेंट आप कर रहे हैं, सही। ये मूवमेंट आ जाएंगे इसमें एलिप्सॉइड जॉइंट में आएंगे। ये वाले नहीं है, रोटेशन नहीं है, रोटेशन दूसरा मैं बताता हूं, लेकिन जब आप हेड को आगे पीछे करेंगे, इस वन, ये कौन सा मूवमेंट है? एलिप्सॉइड जॉइंट है ये। और ये कहां पर है याद रखना होगा आपको, बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा। आप जरा पाइवोट जॉइंट की तरफ आ जाए। पाइवोट जॉइंट में मैंने क्या किया हुआ, एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, एक आरजी लाइन है, एक एक्सिस है, जैसे फिजिक्स में पढ़ा है, एक आरजी लाइन आप लोग इमेजिन करते हैं, उसको एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस के आसपास अपने आप को क्या करें, कोई चीज रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है,
जिस तरह ये हेड है आपका और ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर आप अपना हेड को घुमाते हैं, पूरा बॉडी अब एक्सिस है तो आप अपना हेड को घुमा रहे हैं। नाउ दिस इज विच टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस इज पायोट जॉइंट। पायोट में एक मेन रॉड होता है और उसके ऊपर कोई चीज रोटेट कर रहा होता है, तो ये इसको बोलते हैं पायोट जॉइंट। अब ये कहां पर होगा? बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्रा। ये जो फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा के बीच जो है अब आ रहा है, ये क्या है? ये पायोट जॉइंट है। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले और दूसरे वर्टिब्रा के बीच पायोट जॉइंट है, पहले वर्टिब्रा और स्कल के बीच एलिप्साइड जॉइंट है। ठीक है, ये कंफ्यूजन अभी से खत्म करें। अच्छा, आपको पता है कि पहली वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस एंड एक्सिस। लास्ट में क्या है? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आपके पास जो ये जो थंब है, थंब पे जरा आप देखिए, थंब में थोड़ी बहुत स्लाइडिंग मूवमेंट भी है, आगे पीछे इस तरफ थोड़ा सा रोटेशन भी आ रहा है इसमें, राइट? आगे पीछे इस तरफ और थोड़ा सा रोटेट भी कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट मैंने क्या लिखा है? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। नाउ दिस जॉइंट इज कॉल्ड द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको मूव ला सकते, ये नहीं है, ठीक है, ये जो है ये थोड़ी बहुत आपके एलिप्सॉइड जॉइंट में आ जाएंगे, उसमें यस एलिप्सॉइड जॉइंट में आएंगे वो फिंगर वाले। लेकिन ये जो थंब का जो जॉइंट है, थंब का जॉइंट स्पेशली किस में आएगा? सैडल जॉइंट में आ जाएगा। सो इसी तरह से जॉइंट का सिलसिला खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे स्केलेटन के अंदर डिफेक्ट्स डिस्कस करते हैं।